बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर क्लास टेंथ के साथ सब्जेक्ट इंग्लिश और यूनिट नंबर फर्स्ट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड एम्बोडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसके ट्रांसलेशन के हमने 6 पैराग्राफ प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज के अपने इस लेक्चर में हम 7 पैराग्राफ से इसके ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट ट्रांसलेशन इसकी पढ़ेंगे हम आज के इस लेक्चर में। वाइल के दौरान हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज थे ऑन हिज डेथ बेड। आपकी ग्रामर में और मोस्टली जो ऐसी ग्रामर्स हैं जो कि ट्रांसलेट इनकी इंग्लिश उन्होंने की हैं, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है बिस्तरे मरग पर। तो आपने बिस्तरे मरग नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ना, ये हर आम बंदे के लिए, हर चीज़ के लिए, हत्ता कि अगर कोई भी मरता है ना तो हम उसके लिए यही यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को देखते हैं तो उनकी शान के जो मुकाबले में ये लफ्ज़ जो है सूटेबल नहीं है। लिहाजा आपने लिखना है बिस्तरे विसाल, ठीक है ना, क्योंकि अदब जो है ये भी बड़ा ये अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वाइल हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे विसाल पर थे, ही प्रोक्लेम्ड कहते हैं दावा करना, प्रचार करना, ही प्रोक्लेम्ड तो उन्होंने ऐलान किया, इफ़ अगर आई ओट मैं कर्ज़दार हूँ या ज़िम्मेदार हूँ, समथिंग किसी चीज़ का, टू एनीवन किसी का, यानी किसी की कोई चीज़ का अगर मैं ज़िम्मेदार हूँ, और इफ़ और अगर आई रॉन्ग मैंने गलत किया एनी पर्सन किसी आदमी के साथ, और डैमेज या मैंने नुकसान पहुँचाया एनीवनस प्रॉपर्टी किसी की जायदाद को और ऑनर या इज्जत को, माई पर्सन मेरी ज़ात, माई ऑनर मेरी इज्जत एंड माई प्रॉपर्टी और मेरी जायदाद आर हेयर यहाँ मौजूद है। ही मे टेक वो ले सकता है रिवेंज बदला ऑन मी मुझसे, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में। यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे विसाल पर थे तो आपने विसाल से कबल ये अल्फाज अदा फरमाए कि अगर मैं किसी की जो है कोई चीज़ का कर्ज़दार हूँ, अगर मैंने किसी शख्स के साथ कुछ गलत किया, या मैंने किसी की जो जायदाद या किसी की इज़्ज़त को या किसी की ज़ात को अगर मैंने नुकसान पहुँचाया है, तो मेरी खुद की ज़ात, मेरी खुद की जायदाद और मैं बजाते खुद मौजूद हूँ, मुझसे इसी दुनिया में बदला ले ले। एंड देयर वाज कम्प्लीट साइलेंस, हर तरफ जो है मुकम्मल खामोशी थी। ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक आदमी जो था, डिमांडेड, उसने मुतालबा किया अ फ्यू दरहम्स, दरहम यानी वहाँ के जो पैसे, करेंसी का नाम है, चंद दरहम का, विच वर पेड टू हिम, जो उसको अदा कर दिए गए। यानी हर तरफ किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक शख्स ने कहा कि मेरे चंद दरहम हैं, तो वो उसको अदा कर दिए गए। अब लास्ट पैराग्राफ, अल्लाह रसूल पीस बी अपॉन हिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड, उन्होंने साबित किया बाय हिज ओन एग्जांपल, अपनी जाती मिसाल से उन्होंने साबित फरमा दिया, दैट नो वन कुड बी मोर फेम, कि कोई भी नहीं हो सकता मोर फेम ज़्यादा पुख्ता फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए, दैन हिम उनके मुकाबले में। यहाँ पे भी मिस्टेक है, मुझे तो लग रही है कि जो हिम है ये प्रोनाउन किन की ज़ात के लिए यूज़ हुआ है, नबी पाक के लिए, लिहाजा ये जो एच है ये कैपिटल आना चाहिए, दैन हिम यानी उनसे बढ़कर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाती मिसाल के ज़रिए ये साबित कर दिया कि इंसाफ में उनसे ज़्यादा पुख्ता कोई भी नहीं, इंसाफ की पाबंदी में, इंसाफ की अदायगी में। इवन हत्ता के इफ़ अगर इट वाज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, कि बेशक वो जो इंसाफ है ना वो किन के मुखालिफ हो, अपने ही मफाद के मुखालिफ क्यों ना हो, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज या फिर उन के मफादात के मुखालिफ हो, हु आर नियर एंड डियर, नियर एंड डियर ये इडियम है, यानी जो एक छोटा सा फ्रेज़ है, करीबी रिश्तेदार को कहते हैं बहुत ज़्यादा, टू हिम, या बेशक
वो इंसाफ जो है आपके किसी अपने करीबी रिश्तेदार के मफाद के मुखालिफ ही क्यों ना हो। ही डिसाइडेड, उन्होंने जो है डिसाइडेड यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो डिसाइड करते थे यानी मतलब फैसला फरमाते थे एवरी केस, हर एक मामले का, हर एक हालत का, ब्रॉट टू हिम, जो उनके पास लाया जाता था। ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम, यानी जो भी मामला उनके पेश नज़र लाया जाता था आप जो है फैसला फरमाते थे बाय फ्रेंड और फो, चाहे वो जो दुश्मन का मामला हो चाहे दोस्त का, विद जस्टिस, किसके साथ करते थे, इंसाफ के साथ करते थे, विदाउट फेयर ऑफ फेवर, और बगैर किसी की हमायत और खौफ के डर से, या बगैर किसी हमायत के डर से, यानी ना तो उन्हें किसी की हमायत का खौफ होता था ना डर होता था और ना ही ये होता था कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन। इन सब से बालातर होकर आप उनके हर मामले का फैसला फरमाते। अ पर्सन, एक जो आदमी होता है, अ पर्सन, एक आदमी ऑफ सच मैग्नीट्यूड, जो कि इतनी अजमत वाला हो, ट्रांसेंड, जो कि मावरा, मावरा कहते हैं बालातर होना यानी बहुत अपर लेवल, अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, इस तरह की अजमत वाला इंसान, वो क्या है, ट्रांसेंड, वो मावरा है या बालातर होता है द बैरियर्स, रुकावटों से, ऑफ द टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस से मरा यहाँ जमानो मकान है, यानी ज़माने की हालात और वक़्त के औकात से की जो रुकावटें हैं, जो बंदिशें हैं, उन सब से बालातर हुआ या उन सब से मावरा होने वाली ऐसी अजीम शख्सियत आप ही की है। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड द बैरियर्स ऑफ द टाइम एंड द स्पेस, यानी ऐसी अजमत वाला शख्स जो कि ज़माने की और वक्त की रुकावटों से मावरा हो या उनकी बंदिशों से बालातर हो। पीपल ऑफ ऑल एजेस, यहाँ पे एजेस उम्र मत मुराद लीजिएगा, ये दौर अदवार, ठीक है, पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम ज़माने के जो लोग हैं, तमाम अदवार के जो लोग हैं, कैन फाइंड समथिंग, वो तलाश कर सकते हैं कुछ ना कुछ, इन हिज लाइफ, उनकी अपनी ज़िंदगी में, टू प्रोवाइड दैम, जो उनको मुहैया हो, यानी जो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, हर चीज़ मुहैया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, एक नमूना है, विद गाइडेंस और रहनुमाई पा सकते हैं इन देयर वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी, अपनी ज़िंदगी के शोबा है ज़िंदगी के कई सरगर्मियों के अंदर या हर सरगर्मी से मुतल्लिक आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो है तमाम अदवार के लोग रहनुमाई पा सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मेंशन, कुरान पाक ने बड़े ही वाजिया अंदाज में, क्लियरली कहते हैं यानी बहुत ही खुला करके, खुलेआम मेंशन कहते हैं बयान करना या उसके अंदर दर्ज होना, दिस सस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी का ये पहलू बड़े ही वाजे अंदाज से खोल के बयान किया है, जिस तरह के वो कहते हैं इंडीड, ये आयत है इंडीड, दर हकीकत भी कह सकते हैं, दर असल भी कह सकते हैं, इसके दो मायने हैं, इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, दर हकीकत या दर असल अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है टू फॉलो, पैरवी करने के लिए, फॉर हिम, उनके लिए, हु होप्स, जो कि उम्मीद रखते हैं, फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, अल्लाह के, अल्लाह से मुलाकात की या अल्लाह के सामने हाजिर होने की, एंड द लास्ट डे, और योम आखिरत पर या जो है आखिरत के दिन पर, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और जो अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले हैं या अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम, हु होप्स फॉर द मीटिंग विद अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड रिमेंबर अल्लाह मच, के दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जो रसूल हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, और उन लोगों के लिए जो कि पैरवी करते हैं या जो कि मतलब उनको फॉलो करते हैं या चलते हैं, इस जो कि और उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला से मुलाकात की, यौम आखिरत की या आखिरत क़यामत के दिन की,
और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले, यानी ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में कुरान पाक में वाज़ेह अंदाज से मौजूद हैं। ट्रांसलेशन आज की हमारी कंप्लीट हुई। इसी के साथ आज हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है पेयर्स ऑफ वर्ड्स, जो कि आपके पेपर जो इंट्रोडक्टिव लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है ना 5 पेयर वर्ड्स आप निकलने होते हैं, आपके पेपर में आते हैं और 5 मार्क्स के होते हैं। ये आपकी जो है ना ब्राइट के अंदर जो आप लेंगे वहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है। लिहाजा आज से आपने ये हेल्पिंग बुक भी आपके पास होनी चाहिए। आज के हम फिलहाल जो है ना 3 कर लेते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 पेयर वर्ड्स भी साथ क्या करेंगे। इफ़ेक्ट क्या होता है? असर करना। ये बोलने में सेम होते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं और इनके स्पेलिंग की बना पर जो है इनके अल्फाज के मायने भी चेंज होते हैं। इनका आपने पहले उर्दू मायने लिखने होते हैं, बाद में इनका आपने सेंटेंस में यूज़ करना है। इफ़ेक्ट, असर करना। फीवर अफेक्टेड हिम बैडली, यानी बुखार ने उस पर बुरा असर किया। इफ़ेक्ट होता है अकेला असर। माई एडवाइस हैड गुड इफेक्ट ऑन हिम, मेरे मशवरे का इस पर अच्छा असर हुआ। एडवाइस, मशवरा, नसीहत, ये ऊपर वाला ही सेम आ जाएगा। माई एडवाइस हैड गुड इफेक्ट ऑन हिम, ये एस के साथ एडवाइस, नसीहत करना। आई एडवाइस हिम टू रीच इन टाइम, यानी मैंने उसे बर वक्त पहुँचने की नसीहत की। आल्टर क्या होता है? कुर्बान का, यानी जहाँ पर जो है जानवर कुर्बान किए जाते हैं। वी टुक द गोट टू द आल्टर, यानी हम बकरे को कुर्बान का ले गए। आल्टर क्या होता है? तरमीम करना यानी बदल देना। आई कैन नॉट आल्टर माई प्रोग्राम। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही पेयर वर्ड्स में, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 5 करेंगे, यानी डेली 5। और होमवर्क में आपने क्या करना है कि यही 3 पेयर वर्ड्स और इसके साथ जो है ये लास्ट वाली ये जो आयत है इसका बिल्कुल मुहावरा तर्जमा आपने याद भी करना, मतलब राइट करना होमवर्क में। इंग्लिश भी इसकी राइट करनी है और इसके वर्ड्स मीनिंग भी, और अच्छे से इसकी ट्रांसलेशन मीनिंग के साथ पेयर वर्ड्स भी आज ही अच्छे तरह से याद करने हैं। और आज की डेट डाल के नीट तरीके से होमवर्क करना है, डेली का काम डेली करना है। अल्लाह हाफिज़।